स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आप लोग को टाइप्स ऑफ प्लांट बताया गया था, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। नाउ अब आप लोग को जानना है पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में, कि प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो प्लांट को सबसे पहले रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। वो पार्ट जो जमीन के अंदर होता उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, और वो जो जमीन के ऊपर अबव हो उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। रूट सिस्टम जो ग्राउंड में हो, अंदर हो, मिट्टी के अंदर हो, और शूट सिस्टम जो उसके ऊपर हो, मिट्टी के ऊपर हो, बाहर में एनवायरनमेंट में हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रूट सिस्टम, द रूट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट यूजुअली ग्रोज बिलो द ग्राउंड। दे ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स मॉइस्चर, ग्रेविटी, ग्रो अवे फ्रॉम लाइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम दैट आर यूजुअली सीन इन प्लांट्स, टैप रूट सिस्टम एंड फिब्रस रूट सिस्टम। तो रूट हमने बताया कि ग्राउंड के नीचे होता है, वो हमेशा किसकी तरफ ग्रो करते हैं, मॉइस्चर की तरफ ग्रो करते हैं, ग्रेविटी की तरफ वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, और वो लाइट से दूर जाते हैं, रोशनी से वो दूर जाते हैं। शूट सिस्टम भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक टैप रूट सिस्टम होता है और एक फिब्रस रूट सिस्टम होता है। टैप रूट सिस्टम में एक मेन रूट होता है और फिब्रस रूट सिस्टम में ब्रांच्ड रूट होते हैं। टैप रूट सिस्टम में ही आपके मेन रूट और उससे ब्रांच्ड रूट होते हैं, और फिब्रस रूट में न्यूमरस रूट होते हैं, उनमें मेन रूट कोई नहीं होता है, बशी होते हैं, झाड़ीदार की तरह होते हैं वो। फर्स्ट ऑफ ऑल टैप रूट, द टैप रूट इज द मेन रूट दैट ग्रोज वर्टिकली डाउन इनटू द सॉइल व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स। इट्स कॉल्ड द प्राइमरी रूट। दिस प्राइमरी रूट मे हैव स्मॉल रूटलेट्स और रूट हेयर ऑन इट्स साइड दैट आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। Such root is seen in the rose, pea, dahlia, radish, turnip and the gram. These rootlets are also known as secondary tap roots. So tap root क्या होता है? Germination के बाद सीधे वो ground की तरफ, नीचे की तरफ जाता है। इसे हम primary root के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक main root होता है और उस पर से कई सारे rootlets निकले रहते हैं, छोटे छोटे root hairs कहते हैं, या फिर उसको rootlets कह सकते हैं। उन्हें हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं, जो रूटलेट्स उसके ऊपर से निकले रहते हैं। एक मेन रूट होता है, फिर उसके ऊपर से कई सारे रूटलेट्स निकले रहते हैं। तो ये आपका टैप रूट के बारे में था। रोज प्लांट है, पी प्लांट है, दहलिया प्लांट है एग्जांपल में, इन सब का क्या होता है, टैप रूट होता है। गाजर, मूली जो आप लोग खाते हैं तो भी क्या है, टैप रूट का एग्जाम्पल है। गाजर क्या होता है, रूट है, वो प्लांट का रूट है, चाहे मूली हुआ तो वो क्या होता है, बीच में वो एक मेन रूट होता है जिसे हम खाते हैं, गाजर जिसे हम कहते हैं, और उस पर से कई सारे रूट हेयर्स निकले रहते हैं। और सेकेंड टाइप इज फिब्रस रूट। फिब्रस रूट्स विच ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम हैव अ बुशी अपीयरेंस। दिस रूट्स आर थिन एंड ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज। दिस रूट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन बट डू नॉट ग्रो वेरी डीप इन टू द सॉइल। यू कैन ऑब्जर्व दिस रूट्स बाई पुलिंग आउट सम ग्रास फ्रॉम योर गार्डन। सच रूट्स आर सीन इन द ग्रास, मेज एंड वीट एंड राइस। तो फिब्रस रूट हमने बताया कि बुशी होते हैं, झाड़ीदार होते हैं, इनका इनमें मेन रूट नहीं होता है, कई सारे रूट्स निकले रहते हैं और वो ग्राउंड में फैल जाते हैं। असल जो मेन काम होता है रूट का, वो पकड़ बनाने का होता है मिट्टी में। वो क्या करते हैं, पकड़ बनाते हैं ताकि प्लांट खड़ा रहे। अब हमें उसी फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स का क्या क्या काम करते हैं, तो मेन हमने बताया कि रूट क्या करता है, होल्डिंग करता है, प्लांट को खड़े रखता है जमीन में, वो एक ग्रिप बनाता है ताकि शूट सिस्टम खड़ा रहे, वो गिरे नहीं। एंड सेकेंड मेन जो काम होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। कहाँ से, सॉइल से। The roots spread out in the soil and hold the plant family to the ground, making it difficult to uproot it. Fixing the plant to the soil is a major function of the roots. They have to absorb water and nutrients from the soil, which are essential for the plant survival. They also bind the soil particles together, thereby preventing them from being carried away by water or wind, and thus prevent soil erosion. हमने ये बात बताया आपको, जो मेन काम होता है रूट का वो क्या करता है,
ग्रिप बनाता है ताकि प्लांट खड़ा रहे, वो गिरे नहीं। और सेकेंड काम ये होता है कि वो एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स और वाटर को। रूट का एक एडवांटेज ये भी है कि वो सॉयल इरोजन से, सॉयल इरोजन को प्रिवेंट करता है, सॉयल को बाइंड करके उसे बांध के, ताकि सॉयल इरोजन ना हो। सॉयल इरोजन आप लोग जानते होंगे, लेयरिंग अप होना, मतलब कि लेयर को उड़ के चले जाना या फिर डिप्लेटिंग करना, तो उसे हम सॉयल इरोजन कहते हैं। तो उसे भी क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है, रोकता है, नहीं होने देता है। कौन? रूट्स। इन सम प्लांट्स रूट्स ऑल्सो परफॉर्म अदर स्पेशल फंक्शन सच एज स्टोरेज ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट। A carrot, radish, or turnip is the modified taproot. In these plants, the taproot is swollen due to the stored food in them. The plants store food in the roots, use it when it needs to do so. कई सारे plants के roots क्या करते हैं? Storage का भी काम करते हैं, absorption and ground में पकड़ बनाने के अलावा, holding के अलावा, absorption के अलावा क्या करते हैं? Storage का भी काम करते हैं। Example में आपका carrot, रेडिश जिसे हम खाते हैं, वो क्या होता है? फूड होता है। वो क्या करते हैं? रूट में स्टोर करते हैं अपने फूड को, ताकि ज़रूरत के वक्त उसे वहाँ से इस्तेमाल कर सकें, या फिर हम उसे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसे ईट करते हैं, उस पर हम फीड करते हैं। सम फाइब्रस रूट्स ऑल्सो गेट मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। समटाइम्स न्यू रूट्स ग्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द मेन स्टेम और ब्रांचेस। दीज आर द एरियल रूट्स दैट ग्रोज टुवर्ड द सॉइल एंड एक्ट एज अ पिलर टू सपोर्ट द प्लांट। They are known as prop root. For example, in the banyan, कई सारे आप लोग पेड़ देखे होंगे, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो बनियान ट्री का। क्या होता है? ब्रांचेस से रूट निकले रहते हैं और जमीन में गए रहते हैं। तो वो रूट्स क्यों होते हैं? बड़े बड़े बहुत ज्यादा विशाल पेड़ होते हैं, तो उनको सपोर्ट के लिए ब्रांचेस से क्या होते हैं, रूट्स निकलते हैं, और वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेड़ बहुत विशाल होता है, उसको और सपोर्ट की जरूरत रहती है, तो ब्रांचेस से रूट्स निकलते हैं। बनियान बहुत ही कॉमन एग्जांपल है बनियान ट्री। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि बनियान ट्री में क्या होता है, ब्रांचेस से क्या होते हैं, रूट्स निकले रहते हैं जो जमीन में जाते हैं। तो वो रूट क्या करते हैं, और ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे ट्री क्या रहता है, खड़ा रहता है, कई सालों तक वो जीता है। तो ऐसे रूट्स को जो फर्दर ब्रांचेस से ग्रो करे और prop root कहते हैं, PROP prop roots. These special root provide support to plants. Some other plants like beetle and money plant produce climbing roots which hold fan to support and help the plant climb. Climbers के बारे में हमने बताया था कि support से क्या करते हैं, वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो कई climbers ऐसे भी होते हैं जिनमें roots निकलते हैं climbing करने के लिए। Example में आपका beetle and मनी प्लांट क्लाइंबिंग रूट्स ग्रो करते हैं, जिससे वो क्लाइंब करते हैं, क्योंकि वो क्लाइंबर है तो वो क्लाइंब करेंगे। क्लाइंबर के बारे में आपको हमने बताया था लास्ट वीडियो में। नाउ शूट सिस्टम, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड स्टेम। इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम is the stem. The stem is normally divided into two parts, nodes and internodes. तो जितने भी part plant के ground के above में होते हैं, उन्हें हम shoot system कहते हैं. Shoot system में आपका stem, leaf, flower, branches, buds, सारे चीज किसमें आते हैं? Shoot system में आते हैं. Flowers होते हैं, fruits होते हैं, कली होता है जिसे हम buds कहते हैं, branches जितने भी होंगे, stem होंगे, trunk होंगे, सारे कहाँ होंगे? शूट सिस्टम में आएंगे। इन सबका अलग अलग काम होता है। शूट सिस्टम में जो मेन पार्ट होता है वो होता है स्टेम। स्टेम को फिर डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में, एक होता है नोड्स और एक होता है इंटरनोड्स। नोड वो जगह होता है जहाँ से लीव्स या फिर फ्रूट्स ग्रो कर रहे हो, एंड इंटरनोड्स वो जगह होता है जहाँ पे दो नोड्स के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को हम क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। फिगर की तरफ आप लोग गौर करें तो आप लोग को दिखेगा। Here is the figure of plant. जहां जहां से देखिए ब्रांचेस निकल रहे हैं या फिर लीव्स निकल रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? नोड्स कहेंगे। और दो नोड्स के बीच में जो स्पेस
तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटर नोड कहेंगे। लुक एट दिस स्टेम ऑफ एनी प्लांट, नोटिस द पॉइंट फ्रॉम वेयर अ लीफ और अ ब्रांच अराइजेस ऑन दिस स्टेम, इट्स कॉल्ड अ नोड। ने बताया कि जहाँ से दूसरे ब्रांचेस या फिर लीव्स या फिर फ्रूट्स भी या फिर फ्लावर्स भी अराइज करते हो उसे हम नोड कहते हैं। और नोड, दो नोड्स के बीच में जो जगह होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। द स्मॉलर एंगल बिटवीन द स्टाक ऑफ द लीव एंड द स्टेम इज कॉल्ड द एक्सिल। इफ यू लुक केयरफुल यू विल नोटिस बर्ड्स एट द एक्सिल, ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दीज बर्ड्स विच आर कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड्स। You may also notice buds at the tip of the stem. These are called apical buds. So, जो leaf है और क्या stem है, nodes के जगह पे जो angle form होता है वहां पे क्या होते हैं, buds भी होते हैं। buds किसे कहते हैं, कली कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो small outcome है, growth है, उसे क्या कहेंगे, buds कहेंगे। कहाँ पे, ये node के पास है। तो ये buds further आगे चल के दूसरे branches में, दूसरे लीव्स के स्टेम में ग्रो करते हैं। और ऐसे बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं, जो एक्सिल पोजीशन पे होता है। और टिप मतलब कि सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन को क्या कहते हैं, टिप कहते हैं। उसे हम एपिकल के नाम से भी जानते हैं प्लांट फील्ड में। तो वहां पे भी क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स क्यों हैं, क्योंकि वो ग्रोइंग पार्ट होता है, वहां पे ग्रोइंग अक्सर होते रहते हैं टिप पे, इसलिए उसे हम एपाइकल बर्ड्स कहते हैं। और क्या होता है, वो टिप होता है, सबसे टॉप मोस्ट होता है प्लांट का पार्ट, सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। नाउ फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में नेक्स्ट में आप लोग को बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, ओके, देन गुड बाय।